नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में बड़ा बदलाव हुआ है। आपको मालूम ही होगा कि 11 अक्टूबर को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो अमित शाह हैं वो बिहार आ रहे हैं, लेकिन उनके रूट प्लान में बड़ा बदलाव हो गया है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर अमित शाह उनके जो पैतृक गांव हैं वहां पर पहुंचेंगे और एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वो छपरा सिवान और गोपालगंज के किसानों से बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। लेकिन अब उनके रूट प्लान में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि अमित शाह बिहार तो आएंगे, सिताब दियारा भी जाएंगे, लेकिन पटना नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा जो छपरा के अमनौर में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जो अमित शाह हैं वो पटना उतरेंगे, पटना से फिर वो सिताब दियारा जाएंगे और इस दौरान रास्ते में अमनौर भी जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी के आवाज़ पर भी पहुँचेंगे, लेकिन अब ये जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो गई है। अमित शाह अब सीधे जो हैं वो बनारस के रास्ते सिताब दियारा पहुंचेंगे, यानी कि बनारस में उनका जो फ्लाइट है वो वहां से लैंड होगा, फिर वहीं से वो सीधे सिताब दियारा आएंगे। बलिया होते हुए वो सिताब दियारा पहुंचेंगे और फिर जो है वो अपने कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि अमित शाह के रूट प्लान में बड़ा बदलाव हुआ है। अब अमित शाह बिहार तो आएंगे लेकिन राजधानी पटना नहीं आएंगे। इसके अलावा छपरा के अमनौर में भी नहीं जाएंगे, सिर्फ छपरा के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा छपरा सिमान गोपालगंज के किसानों से वो बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें वहीं कि अमित शाह के इस दौरे को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह जो हैं बिहार में जो सामाजिक सौहार्द है उसे खराब करने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर अमित शाह एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं और उनका जो खास मिशन है कि बिहार में किस तरह से एनडीए का परचम लहराया जाए और किस तरह से 2024 में एक बार फिर से जो भाजपा है वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीत सके। आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह का जो रैली है वो बिहार के पूर्णिया में हुआ था। कुछ दिन पहले ही अमित शाह बिहार आए थे, बिहार के पूर्णिया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। वहीं इसके अलावा किशनगंज गए थे, जहां पर एसएसबी के जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, जहां पर बीजेपी के नेताओं से उन्होंने डिस्कशन किया था कि आखिर कैसे 2024 का चुनाव जीतना है। लेकिन अब अमित शाह का जो इस बार का बिहार दौरा हो रहा है वो सिर्फ सिताब दियारा आएंगे, छपरा के सिताब दियारा में वो गांव में जाएंगे और वहां पे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब वो अमनौर या फिर पटना नहीं जाने वाले हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।